एन वेल टूक इन माइन स्टडी इट मीन्स ह्यूमन बॉडी तो हेलो भाइयों बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर में हम लोग कुछ स्पेशल सिस्टम के बारे में और ये भी पढ़ेंगे हम लोग का बॉडी कैसे बना है uh, और ये भी कि बोन किस चीज से बने हैं और हम लोग के बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गेनाइज तो कौन सा है चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग का बॉडी बना कैसे हम लोग का बॉडी बना हुआ है तो बोन से तो बोन किससे बने हैं बोन बना है सेल से हम लोग की बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म वही है सेल और सेल के अंदर भी डीएनए है जब बहुत सारे सेल का ग्रुप बनता है तो एक टिश्यू बनता है और जब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो एक ऑर्गेन या तो कोई बोन बनता है और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तब तो एक सिस्टम बनते हैं बनता है और फिर जब बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे ब्रीदिंग आई I मीन mean, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हम लोग की कितना फूड हाँ हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि माउथ से हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस शुरू हो जाता है माउथ के बाद इस फूड पाइप से हम लोग का फूड चल जा जाता है स्टोमक में और हम लोग की मौत में सैलिवरी ग्लैंड है जो कि जैसे हम लोग कोई मीठा चीज खा लेते हैं मान लेते हैं कि हम लोग चीनी खाएं तो उसको सैलिवरी ग्लैंड ही डाइजेस्ट करता है तो उसके बाद जब फूड स्टोमक में जल जल जाता है स्टोमक में बहुत सारा एसिड होता है और स्टोमक में एसिड थोड़ा सा पेनकेरियस और लेवर भी भेजते हैं तो कुछ घंटों तक हम लोग का फूड स्टोमक में रहता है उसके बाद जब कुछ घंटों बाद स्टोमक से हम लोग का फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक फैक्ट बात बता दो कि हम लोग का ब्रीदिंग आई मीन डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है ये एक्स्ट्रा पार्ट कुछ होते हैं बची कुची वेस्ट को डाइजेस्ट करने में तो अभी हम लोग थे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हम लोग का बॉडी आई I मीन mean, हम लोग का फूड आ जाता है स्टोमक से स्मॉल डेस्टाइन में स्मॉल टेस्टाइन क्या करता है वो जो तो फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के हवाले उसको दे देता है ब्लड उसको पूरा कलेक्ट कर लेता है और फिर उसको हर सेल को दे देता है हर बॉडी के सेल को वो जाके उसको दे, दे देता है और इसे हम लोग छोटी आँत में कहते हैं और उसके बाद ये चो इस छोटी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग का फूड चल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जब चल जाता है तो एक और फैक्ट्री बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम जहाँ पे सिकुरा हुआ है food. और जो बचे उच्चे अंडर फूड होते हैं यानी कि वेस्ट जो बचता है वो चले जाता है ये इसी आई मीन लार्ज इंटेस्टाइन में और उस लार्ज इंटेस्टाइन में जाके लार्ज इंटेस्टाइन उसमें और थोड़ा सा भी न्यूट्रिएंट्स बच गया तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है ब्लड को देता है और ब्लड वाइज सेम प्रोसेस करता है कि हर ऑर्गेन को दे देता है और हर ऑर्गेन के सेल उसको यूज करते हैं एनर्जी पाने के लिए उसके बाद हम लोग का फूल जाता है रेक्टम में रेक्टम साइनस में उसके बाद आप लोग को पता क्या होता है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं जो कि है ब्रीदिंग प्रोसेस यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम मतलब कि सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है यानी कि सांस लेने और छोड़ने की जरूरत होती है तो उस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एंड लिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज कार्बन आई मीन ब्रीदिंग तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है हम लोग के नोज से और नोज में सबसे हम लोग जिसको इनहेल करते हैं यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं वो होता है ओ टू कि ऑक्सीजन जिसको हम लोग एक्सहेल करते हैं यानी कि निकाल देते हैं अपने बॉडी से वो होता है सी ओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब, जब हम लोग का जब हम लोग का ऑक्सीजन दिया हैं नोज में तो नोज में नर्सल ओपनिंग होती है तो जैसे मैंने अभी सांस ली तो यहाँ पर एक नर्सल ओपनिंग होगी जो खुलती है थोड़ा सा ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए वो थोड़ी सी खुलती है उसके बाद जब ऑक्सीजन अंदर से जाता है फिर ये बंद हो जाती है उसके बाद नोज से हम लोग का ऑक्सीजन चल जाता है विंड पाइप के थ्रू दो बैलून जैसे स्ट्रक्चर में और उन बैलून उन बैलून जैसे स्ट्रक्चर का नाम है लंग्स और एक और फैक्ट की बात की हम लोग का जो राइट लंग्स हैं और राइट लंग है यानी कि राइट फेफड़ा है वो लेफ्ट फेफड़े से बड़ा है क्योंकि इ, इस साइड में थोड़ा सी लेफ्ट साइड में इधर हम लोग का हर्ट होता है इसी वजह से ये थोड़ा सा ये वाला फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है और इसके नीचे होता है डायफ्राम इसका भी डायफ्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और डायफ्राम नहीं रहता जैसे हम लोग जैसे मैंने ऑक्सीजन ली और डायफ्राम नहीं रहता तो मेरी ऑक्सीजन कहीं भी हम मेरे किसी भी पार्ट में चले जाती और जब लंग्स में हम लोग ऑक्सीजन नहीं है तो लंग्स में ब्लड होता है ब्लड उस ऑक्सीजन को कलेक्ट करके हर बॉडी पार्ट को दे देता है हर बॉडी पार्ट के सेल जो न्यूट्रिय जैसे मैंने अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड इससे न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करके ले जाता है और उसमें ऑक्सीजन यानी कि टू को कलेक्ट करके ले जाता है उसके बाद ये क्या करता है ब्लड यानी कि सेल इस O2 और न्यूट्रिएंट्स को जला के O2 टू की मदद से न्यूट्रिएंट्स को जलाता है और अपने एनर्जी को गेन करता है प्राप्त करता है और हम लोग का ब्लड बस ऑक्सीजन देता नहीं है हर पार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट करके वापस लंग्स को दे देता है उसका लंग्स क्या करता है वापस इसको हम लोग के नोज़ पर भेज देता है और नोज एक्सेल कर देता है इस सी ओ टू को जैसे जैसे हम लोग जो तो सांस छोड़ते हैं जैसे मैंने अभी छोड़ी तो वो उस वो ऑक्सीजन ही नहीं हम लोग छोड़ देते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन और को एब्जॉर्ब करते हैं चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट सिस्टम को पढ़ते हैं जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग के हम लोग का जो बॉडी है हम लोग की बॉडी में हर जगह से यहाँ बोन है यहाँ बोन है यहाँ बोन है तो ये पूरा का पूरा हम लोग की बॉडी के यहाँ पे आउटर लेयर है मसल और उसके अंदर मसल के अंदर कुछ कुछ लेयर्स है उसके अंदर है बोन और हम लोग के पूरे बॉडी में बोन भरा हुआ है ये नहीं होता तो हम लोगों के बॉडी का हम लोग के बॉडी को ढांचा नहीं मिलता जैसे घरों को ढांचा चाहिए होता है स्टील के रॉड से वैसे भी हम लोग को वैसे ही हम लोग को ढांचा चाहिए होता है हम लोग फ्रेम ही में नहीं रहते अगर बोन नहीं रहता जैसे कोई कोई केचुआ होता है वैसे हम लोग चलते हैं एकदम जमीन पर लुढ़क के और और एक एडल्ट मैन जो होता है उसमें टू हंड्रेड सिक्स बोन्स होते हैं और एक जो चाइल्ड होता है न्यू बोर्न बेबी उसको होते हैं थ्री हंड्रेड से ऊपर बोन चलिए सबसे अब हम लोग जानते हैं स्केलेटल सिस्टम के कुछ मेन पार्ट्स स्केलेटल सिस्टम के चार मेन पार्ट्स होते हैं और एक और बात कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है मोस्ट डेलिकेट ऑर्गेन को प्रोटेक्ट करता है जैसे डेलिकेट ऑर्गेन का एग्जाम्पल हो गया ब्रेन हम लोग के लंग्स एक्सेट्रा तो अब सबसे पहले चार ये चार मेन स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं स्कल इससे हम लोग इस प्रो ये है पूरा स्केलेटन और आपको अगर ये दिख रहा होगा ये स्कल तो ये है हम लोग का फर्स्ट सबसे मेन ऑर्गेन ऑफ स्केलेटल सिस्टम और सेकंड है बैकबोन थर्ड है रिब केज फोर्थ है लिम्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्कल के बारे में स्कल यानी कि खोपड़ी जो हम लोग का यहाँ पे टॉप पे होता है स्कल में कोई भी मूवेबिलिटी नहीं होती है इसमें आठ फ्लैट बोन है और ये टोटली ट्वेंटी टू बोन से बना होता है ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये पूरा आठ बोन से बना होता है और इसमें कोई भी मूवेबिलिटी नहीं होती है अगर इसमें मूवेबिलिटी होती और यहाँ पे हम लोग कोई मारता हम लोग को कोई मारता हम लोग का ब्रेन हैमरेज हो जाता है ह्यूमन बिंग भी मर जाता इसमें इसलिए मूवेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ये बहुत डेलीकेट हम लोग के बॉडी के सबसे डेलीकेट ऑर्गेन यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग के बैक बोन के ओर चलिए ये है बैक बोन यानि कि हम लोग की पीठ की जैसे ये ये रिब केज है इधर मेरा रिब केज होगा और यहाँ पीठ यहाँ पे होगा मेरा बैक बोन और ये बैक बोन थर्टी थ्री स्मॉल बोन से बना हुआ है जिसका नाम होता है वटिबड़ी और हम लोग की बॉडी का जो सबसे फ्लेक्सीबल बोन है वो यही है यही है क्या नाम बैक बोन इसको हम लोग कहीं भी आगे मुड़ सकते हैं पीछे मुड़ सकते हैं सामने की तरफ मुड़ सकते हैं लेफ्ट हो, हो सकते हैं राइट भी मुड़ सकते हैं कहीं भी हम लोग मतलब लो कि ये चारों डायरेक्शन में हम लोग मूव कर सकते हैं और ये जो थर्टी थ्री बोन है उसका नाम सर मैंने बता दिया कि वर्टिबड़ी है ये सब का नाम और ये सब थर्टी थ्री बोन मिल करके एक कॉलम बनाते हैं जो कि स्पाइन को स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं और ये इस कॉलम का नाम होता है वर्टिब्रल कॉलम अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रिब केज की ओर रिब केज जैसे आपको यहां दिख रहा होगा ये है हम लोग की बॉडी का रिब केज जो कि लंग्स को हार्ट को प्रोटेक्ट करता है जो कि यहाँ पे होता है ये ब्रेस्ट बोन छाती की हड्डी जो यहाँ पे है और ये साइड साइड में जो है ये सब रिब्स रिब है रिब्स का मतलब होता है कर्व्ड बोन केज का मतलब पिंजरा इसका मतलब होता है कर्व्ड बोन से बना हुआ एक पिंजरा इसमें बहुत सारे ये इसमें ट्वेल्व पेयर्स के कर्ड बोन यानी कि बारह पेयर है इसमें कर्व बोन यानी कि टोटली चौबीस बोन है इसमें कर्वड वाले जो कि एक केज फॉर्म करते हैं और लास्ट के जो यहाँ पे दो पेयर होते हैं वो फ्लोटिंग रिप्स कहलाते हैं बताइए क्यों क्योंकि ये बस बैक बोन से कनेक्टेड होते हैं नॉट टू द ब्रेस्ट बोन बाकी सारे जो टेन पेयर्स होते हैं वो बैक बोन और ब्रेस्ट बोन दोनों से कनेक्टेड होते हैं लेकिन ये जो लास्ट का दो पेयर है यानी कि लास्ट के जो फोर बोन्स हैं वो बस बैक बोन से कनेक्टेड है नॉट टू द ब्रेस्ट बोन चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग की लिम्स की ओर लिम्स का मतलब होता है हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी सबसे पहले हम लोग जानते हैं फोर लिम्स के बारे में यानी कि हाथ की हड्डी के बारे में उससे भी पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो हम लोग का होता है लंबी लंबी बोन्स यानी कि लिम्स हम लोग बॉडी हम लोग के बॉडी में जितना हड्डियाँ हैं ना हम लोग की बॉडी में जितनी हड्डियाँ हैं उसका लगभग हाफ पार्ट हम लोग के हाथ और पैर में है पैर की हड्डियों में है और ये जो लिम्स है ये अंदर से हॉलो है यानी कि खाली है खोखली है और उसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल भरा रहा है जिसका नाम है बोन मैरो और ब्लड सेल्स बोन मैरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि ब्लड सेल्स इसी के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं इसी के अंदर बनते हैं और ये जो है हाथ को हम लोग फोर लिम्स बुलाते हैं बुलाते हैं और हम लोग का जो है पैर उसको हम लोग बुलाते हैं लिम्स सबसे पहले हम लोग फोर लिम्स के बारे में पढ़ते हैं फोर लिम्स भी स्पाइन से कनेक्टेड है और इसके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है आपको पता ही होगा फोर लिम्स का क्या काम होता है सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फोर लिम्स क्योंकि हम लोग इसी के थ्रू लिख सकते हैं किसी चीज को उठा सकते हैं और फोर लिम्स के यहाँ पे एक पाम है जिसमें बहुत सारी हड्डिया है हैं और फिंगर्स है जिसमें भी बहुत सारी हड्डिया और फिंगर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जैसे जैसे ये मेरी वॉच है इसको मैं पकड़ पा रहा हूँ इन्ही फिंगर के हेल्प से अब हम लोग जानते हैं हिंड लिम्स यानी कि हम लोग के पैर की हड्डियों के बारे में हिंड लिम्स का जो अपर पार्ट होता है यानी कि उसको कहते हैं हम लोग फेमर और वो हम लोग के होल बॉडी का सबसे लंबा बोन होता है और हम लोग के बॉडी का जो तो सबसे छोटा बोन होता है वो कान में होता है जिसका नाम है जिसका नाम तो मैं भूल गया लेकिन आपको शायद यहाँ दिख रहा होगा उसका नाम आ, उसका नाम उसका लेकिन मेजरमेंट है वन बाय फोर ऑफ अ सेंटीमीटर और उसका नाम शायद मुझे याद आ रहा है उसका नाम था स्टेपिस चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ओके बाय बाय थैंक यू जयंत